और जितनी भी इस वक्त मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री से लेके मोटरसाइकिल के प्लांट हैं, सर्विस है, टायर है, स्पेयर पार्ट्स का फील्ड है, उसके अलावा कारों की प्लांट्स हैं, कारों की सर्विस शॉप्स बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की, वो उनमें इंश्योरेंस की कंपनियों में, ठीक है, पावर हाउस जहाँ पर बिजली पैदा करते हैं, बड़े जनरेटर लगे हुए उन कंपनियों में, ये अर्थ मूविंग मशीनरी जितनी बड़ी सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग बना, डोजर, एग्जावेटर्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ाते हैं और इन सारी फील्ड में बचे जाते हैं। और हमारे पास बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, बच्चा पास होकर जाने वाला बने तब उसी वक्त हमारे बच्चों के, आज भी बच्चे पाँच अभी बैठे हुए थे पेपर देने गए हैं उनका, अब वो गैप आ गया ना एक हफ्ते का, तो मुझे कहते हैं जी हम 22 तारीख को आखिरी पर्चा भेज दें, मैंने कहा मैं 22 को भेज दूँ। सर ने ये भी बताइए कि पूरे पंजाब में कितनी जगह, सिर्फ तीन जगह पे है, साहिबाल, फैसलाबाद और भावलपुर, बस तीन जगहों पर ही है। 50 एडमिशन होते हैं हमारे पास, 150 लड़का दाखिल होगा पूरे पंजाब, 150 लड़का हमारे यूं खप जाता है। अभी हमारे पास जैसे मैं अब आपको बताऊँ, मेरी 43 लड़कों की क्लास ने पेपर दिए हैं, ठीक है, 43 में से 5 बंदों के लिए टोयोटा वालों ने मुझे 2 महीने से कहा था कि 5 बच्चे हमें देने आओ, ठीक है। अब किया की उर्गी है, किया का वो आया था, वो कहते सर तो हमें भी 5 दें, मैंने कहा ये 5 नहीं मिल सकते, सीधी बात है कि 2-3 लड़के ही देंगे, कुछ मुल्तान जाएंगे, कुछ इस्लामाबाद जाएंगे, कुछ बच्चों ने आगे दाखिला लेना होता है। 43 में से जो नौकरी करने वाले बच्चे होंगे ना, वो एक्चुअली 20-22 ही बनेंगे, बाकी सारे पढ़ना चाहते हैं, BS करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में भी दाखिला हो जाता है हमारे बच्चों को, पिछली बार ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिल हुआ, बस 8 बच्चे हमारे जो चाइना की यूनिवर्सिटी ताइजिंग बनी हुई है लाहौर में, 8 बच्चे हमारे वहाँ दाखिल हैं। तो हम ये देख लें कि 12-13 लड़कों ने तो वहीं लाहौर में दाखिला ले लिया, कुछ नहीं यहाँ ले लिया जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी जो बच्चे वो सारे जॉब पर चले गए। अच्छा, मैं उसमें ना एक चीज़ ऐड करूँगा, मैंने देखा कि आप थोड़े पैसों के साथ अपना काम भी कर, अपना काम स्टार्ट कर सकते, उसमें 2-3 कारीगर रखे, अपना लड़के रखे, वर्कशॉप बनाए, एक बहुत अच्छा रोजगार आप उससे। वर्कशॉप तो एक महंगा काम है, जगह वो भी करी हुई है, अगर आप खानपुर से आए तो खानपुर रहेंगे, खान हमारा बच्चा है मुजम्मिल, आज का असिस्टेंट मैनेजर भी है चपटा के अंदर, बेहतरीन वर्कशॉप नहीं, छोटे भाई को डिप्लोमा कराया वो संभाल रहा है, सुबह बहुत संभालता है, शाम को वो आ जाता है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो वो कर सकते हैं, पैसे नहीं है ना तो बिल्कुल 10-20 हज़ार तक भी बिजनेस कर सकते हैं। मैं बच्चों को बता, मैंने बल्कि एक बच्चे को करवाया बिजनेस, मैंने खुद करवाया, बहुत गरीब था बच्चा, वो कहता सर जी मेरे पास कोई पैसे नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम काम करो और जब तुम्हारी गुंजाइश है तो मुझे वापस करो, मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको दिए कितने, 20 हज़ार, 20 हज़ार का दिए, मैंने कहा जी क्या करूँ, मैंने कहा जी कुछ नहीं करना, ये तरीकाकार के तहत मोटरसाइकिल के कागजात ऑनलाइन चेक होते हैं, यहाँ हमारा भावलपुर है ना, हमारे भावलपुर में मैंने 7 जगहें बताई हैं, डेरा बक्का, लाल सुहारा, भावलपुर, यजमान, उच शरीफ, अहमदपुर शरीफिया और लोग, हफ्ते में 7 दिन हर एक दिन मोटरसाइकिल मंडी लगती है, ठीक है, आप 20 हज़ार गेम में डालें, जाके वहाँ 18,000, 19,000, 20,000 का मोटरसाइकिल ले लें, 18,000 का मोटरसाइकिल लेकर आप आ जाएँ, 2 से 2,500 रुपये का खर्चा है सिर्फ, टोटल 2,500 रुपएंगे, उसमें आप टैंकी टापे बदल लें, सीट ख़राब है सीट कर लें, इंडिकेटर सही कर लें, मोटरसाइकिल को बफिंग कर लें, साफ़ कर लें, टायरों को पॉलिश करके सेट करके मोटरसाइकिल एकदम उसकी शक्ल गेटअप में आ जाता है, अगले दिन उस मोटरसाइकिल को ले जाएँ और अगली मार्केट के अंदर बेच दें, वो 18 वाला बाइक में लालच ना करें ना तो हंस के 20,000 का बिकेगा, वरना तो 22-23 में बेच देते हैं, और अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं तो आप एक के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हफ्ते में आप 2 मोटरसाइकिल बेच लें, 3 बेच लें, 6,000 रुपये आ गए, 1 महीने में 24,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर सर ऑटो पढ़ के कहाँ कहाँ खप सकता है बच्चा, कौन कौन से डिपार्टमेंट, मोटरसाइकिल के प्लांट हैं, कारों के प्लांट्स हैं, उनकी आफ्टर सेल सर्विस की जितने भी यूनिट्स हैं उनमें, पावर हाउसेस के अंदर, गवर्नमेंट जॉब है इसमें, वाटर मैनेजमेंट में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर, ट्रांसपोर्टेशन में है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर है, हर जगह सारे फील्ड है, एग्रीकल्चर का फील्ड है, ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो डोजर चल रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, खानपुर में, भावलपुर में, सारी जगहों में बच्चे लगे हुए हैं हमारे पास। और सर अपना नाम बता दें, मोहम्मद अजहर खान जी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट आर्ट एंड फॉर्मेशन, भावलपुर, बहुत शुक्रिया।